जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू, और वचन में से आज देखते हैं हम लूका की किताब 6:12-16 तक। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी अपनी बाइबल निकाल के आप उसमें से देख सकते हैं। उन दिनों में वे पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनसे बारों को चुन लिया और उनको प्रेतों कहा, और वह ये है शेमोन, जिसका नाम पत्रस भी रखा, और उसका भाई अंद्रेयस, और याकूब, यूहन्ना, और फिलिपुस, और बर्तुलमा, मत्तै, और थामा, और हल्फा का पुत्र याकूब, और शेमोन जो जितलियस का कहलाता है, और याकूब का बेटा यूदा, और यूदा इस्करियोत, उसको जिसे उसने पकड़ा भी दिया। प्रभु पढ़े गए वचन के ऊपर आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बढ़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी कमी घटियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ पूरा करें प्रभु जी। मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ ने प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ा गया वचन लूका की किताब 6:12-16 तक हम लोगों ने इसे पढ़ा है। अगर इसी वचन को आप मत्तै की किताब में से 10:1-4 तक भी आप इसे पढ़ सकते हैं, और मरकुस की किताब में से 3:13-19 तक अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को जब चुना था और उनके नाम क्या है, इन ये सारी जानकारी जो है आपको इस बाइबल में इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आज मैं एक ऐसे ही चेले के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि प्रभु यीशु मसीह का चुना हुआ था और बहुत ही प्रभु यीशु मसीह जो थे उससे प्यार करते थे। आइए हम उस चेले को देखते हैं, और उस चेले का नाम है वचन 12, और यूदा इस्करियोत जो उसे पकड़वाने वाला बना। आज हम यूदा इस्करियोत के बारे में देखने वाले हैं। तो वचन में 12 में लिखा है, उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने के सारे रात बिताई। हे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, आरंभ किया, तब परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने चेलों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने रात भर जो थी रह के प्रार्थना की, और रात भर प्रार्थना करने के बाद में जो था चेलों को चुना गया, और वो चेले ऐसे थे जो सबसे यीशु मसीह के पसंदी जो थे चेले थे, और उनका नाम 12 चेले थे वो। और 12 चेलों में से और एक चेला था, उन 12 चेलों में से और चेले का नाम था यूदा इस्करियोत। हमने यूदा इस्करियोत के बारे में ये भी पता है कि यूदा इस्करियोत वही था जिसने प्रभु यीशु मसीह को जो था पकड़वा दिया है। हे भाई और बहनों, यह वचन में हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि यूदा इस्करियोत है, और यूदा इस्करियोत ने ही प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और वचन में लिखा है कि उसका जन्म अगर ना ही होता तो अच्छा होता। और ये तो वचन में लिखा गया था और भविष्यवक्ता के वचन जो थे पूरे होने थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो था पकड़वाया भी गया था। आइए हम यूदा इस्करियोत के बारे में थोड़ी सी जानकारी को प्रभु यीशु मसीह के वचन में से देखते हैं। यूदा इस्करियोत जो था प्रभु यीशु मसीह का
चेला था, लेकिन वचन कहता है कि वो जो है वो एक चोर था। असल में वो एक चोर था। यूहन्ना की किताब में यूहन्ना 12:6 में, अगर हम इसे 12:6 में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि ये बातें इसलिए नहीं कहता कि वे कंगालों की चिंता करता है, परंतु इसलिए कि वे चोर था और उसका और उसके हाथ में पैसों की भी थैली रहती थी। प्रभु यीशु मसीह को उसके बारे में पता था कि वो चोर है और उसे हर एक चीज़ की लालसा है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ, 12 चेलों के साथ, वो जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहाँ पे वो भी जाता था। और उसने हर एक वचन को, हर एक कहानियों को जो प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई थी अपने चेलों को, वो हर एक वचन को जानता था और हर एक अद्भुत काम भी उसने देखे थे जो प्रभु यीशु मसीह करता था। ये जब प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया तभी भी यूदा इस्करियोत वहीं पे था, और जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी में लहरों को, जब पतरस चल के आ रहा था, जब उस पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे देख के आ जा, तभी भी वहाँ पे यूदा इस्करियोत था, और वहाँ पे भी था यूदा इस्करियोत जब 5,000 लोगों को 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ जब खिलाई गई थी, तभी भी यूदा इस्करियोत जो था प्रभु यीशु मसीह के साथी था। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए तभी भी यूदा इस्करियोत उन चेलों में भी था जो प्रभु यीशु मसीह ने यूदा इस्करियोत के भी पैरों को धोया था। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर का वचन उसे पता था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन वो एक चोर था। अपने स्वभाव को जो था नहीं छोड़ पाया। प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनते हुए भी, जो जीवित परमेश्वर के वचन सुनते हुए भी, उसके हृदय के अंदर उसने काम नहीं करते थे वचन, लेकिन वो हमेशा जो था उसी धुन में रहता था कि कब मुझे कहाँ से मिलेगा। जो घर में जाता था वो घर में से वो चोरी कर लेता था, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को अगर कोई लोग कोई भेंट या कोई भी चीज़ देते थे तो वो जो था उस वह थैली में रखते थे, और वो थैली जो थी यूदा इस्करियोत के पास होती थी। प्रभु यीशु मसीह ने वो चोर है फिर भी जान के यूदा इस्करियोत के हाथ में उसने अपने पैसों की भी थैली दे दी। और यहाँ तक कि जब सारे शास्त्री फरीसी मिल के ये कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह को अब पकड़ेंगे और प्रभु यीशु मसीह को मार देने का प्लान करते गए, तब यूदा इस्करियोत भी उसी में था। और यूदा इस्करियोत को 330 सिक्के दिए गए ताकि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया जाए। तब उसने वो 30 सिक्कों को लिया और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए सबसे ज़्यादा उसी का हाथ रहा। और जब सिपाही आए उसे पकड़ने के लिए उस रात में, और यूदा इस्करियोत ये कहता है कि मैं जब जाके जिसे मैं एक पप्पी लूँगा उसी को पकड़ना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के पास आके उसे गले लिख के जब उसे चूमता है तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि अपना काम पूरा कर दो जिस काम के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह को ये भी पता था कि यूदा इस्करियोत उसे चूमेगा और सिपाहियों के हाथ में कर देगा। फिर यूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को चूमा और सिपाहियों ने आके प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाए गए जो कभी किए भी नहीं थे, तो इस सारे जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब के ऊपर चढ़ाया गया तब यूदा इस्करियोत को सबसे ज़्यादा पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने टाइम को, जो उसके पास समय था उसने अपने समय को खो दिया था। और उसने पश्चाताप किया कि अब मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ में नहीं आया, उसने जाके अपने आप को फांसी दे दी
और वो वहीं का वहीं मर गया। हे भाई और बहनों, ये है यूदा इस्करियोत के बारे में कहानी। यूदा इस्करियोत के बारे में अगर कहा जाए, उसका सुसमाचार के बारे में कहा जाए, अगर किसी को सुसमाचार उसने सुनाया है, ये भी बाइबल में हमें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बाइबल में दो तीन चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई है कि यूदा जो था यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, और यूदा ही वो था जिसने प्रभु यीशु मसीह को चूम के सिपाहियों के हवाले कर दिया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रही है, हमें क्या सीख मिलती है इससे, किस तरह से हम जी रहे हैं और किस तरह से हम अपने दिनों को काट रहे हैं। जब यूदा इस्करियोत को इतना प्यार किया प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु यीशु मसीह खाते थे और जहाँ पे जाते थे वहीं पे हर जगह पे यूदा इस्करियोत भी उनके साथ होता था। यूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे वचन, जीवित वचन अपने कानों से किसी और से नहीं सुने, उसने प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुने थे वचन और उसके कानों से सुने थे, लेकिन फिर भी उसने आशीष नहीं पाई और उसे खो दिया। हे भाई और बहनों, उसका स्वभाव, उसका मन जो था, उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद में भी जो उसका स्वभाव था, जो था, वो कभी भी नहीं बदला था। वो परमेश्वर जो यीशु मसीह के साथ रहता था, लेकिन उसका शरीर यहाँ साथ रहता था, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी वो किसी और की आत्मा थी, एक दुरात्मा को लेके वो घूमता था। और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को ही वो धोखा करता था। जिस घर में जाता था उसी घर में वो चोरी कर लेता था, कोई भी चीज़ देते थे और उसे वो रख लेता था। हे भाई और बहनों, ये था यूदा इस्करियोत का जीवन। और यहाँ पे एक वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह एक घर जाते हैं, वहाँ पे लाजर के घर में, मरिया और मार्था के घर में। जब मरिया ने इत्र से प्रभु यीशु मसीह की सेवा की, तब यूदा इस्करियोत क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। परंतु उसके चेलों में से यूदा इस्करियोत नामिक एक चेले जो उसे पकड़ने वाला था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में है, बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इत्र लगाया गया तो वो कह रहा है कि इसे बेच के कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। वो इसलिए नहीं कह रहा था कि वो कंगालों की चिंता करता था, क्योंकि वो इसलिए कह रहा था क्योंकि वो पैसों का लालची था। और उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि वो कंगालों की चिंता करता था, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनके थैली रहती थी जिसमें जो कुछ डालते थे वह उसे निकाल लेता था। हे भाई और बहनों, ये उसका जीवन था। जो प्रभु यीशु मसीह को, जिस घर में जाते थे प्रभु यीशु मसीह, जब उन्हें कोई भी एक भेंट दी जाती थी, या पैसा या खाने की कोई भी चीज़ एक थैली में डाल देते थे, लेकिन वहाँ से वो यूदा इस्करियोत के पास होती थी और यूदा इस्करियोत उसमें से भी वो चोरी कर लेता था। उसका स्वभाव जो था एक चोर स्वभाव था। ये भाई और बहनों, आप और मेरा जीवन कैसा है, हम लोग आजकल कैसा जी रहे हैं और कैसा रह रहे हैं। एक वचन सुना यूदा इस्करियोत ने, जीवित परमेश्वर का, जो उसके सामने आके प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला, लेकिन उसने उस वचन को ग्रहण नहीं किया। उसने वो किया जो कि शरीर के अनुसार चलने वाला है। हे भाई और बहनों, आजकल ऐसा चल रहा है इस दुनिया में, इतना ही यही सब कुछ होता आ रहा है कि परमेश्वर के घर में होते हुए भी कई लोग ऐसे लोग हैं जो के एकदम लालची लोग हैं। लालची किस चीज़ का? प्रभु यीशु मसीह का ही काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का ही वचन सुनाएंगे, लेकिन उनके अंदर अभी भी वो चोर स्वभाव जो कि
किसी को पैसे देने का स्वभाव, पैसे लेने का स्वभाव, ये स्वभाव को जो है बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आजकल वैसे की वैसे अपने जीवन को भी बिता रहे हैं। देखने वाले लोग कहते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने वाले हैं, लेकिन उनका जीवन अंदर से कैसा है, जो है एक चोर स्वभाव है, जो दिखाता है वचन हमें ये दिखाता है कि ये स्वभाव जो है चोर स्वभाव है। ये चोर स्वभाव कैसा हुआ, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यूदा इस्करियोत भी प्रभु यीशु मसीह के वचन सच्चे सुनता था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था और चेलों के साथ रहता था। हर कोई ये जानता था कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के ये लोग पीछे चलने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर का जो स्वभाव था वो क्या था, एक चोर था। हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे हैं? क्या हम सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं या नहीं, कि या अंदर से हम एक चोर हैं, या तो हम किसी चीज की लालच करके हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं, या तो हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे या वहां पे जाके वचन बोलेंगे वहां पे हमें अच्छे गिफ्ट मिलेंगे, या हम वहां पे जाएंगे वहां पे हमें अच्छा खान पान मिलेगा, या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेंगे तो लोग हमें आके काफी भेड़े, काफी पैसा, काफी धन दौलत हमें देंगे। क्या ऐसे स्वभाव में, ऐसे काम के लिए आप अगर आप सेवा कर रहे हो, तो भाई और बहनों वचन कहता है कि वो चोर का स्वभाव है। ये जो है पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है, जो हमें लालची कर देता है, जो परमेश्वर के साथ दूर कर देता है, परमेश्वर से जो हमें दूर कर दे, वो चीज जो है, वो जो है शैतान से आती है। उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को बात नहीं मान के उसने शैतान को अवसर दिया ताकि वो उसे अच्छा इस्तेमाल करे। जब उसे रोज रोज पैसे मिलते गए, रोज रोज उसने देखा कि रोज ये थैला जो है भर जाता है, किसी कोई ना कोई कुछ डाल देता है और वो रोज रोज जो था उसमें से निकाल लेता था। हे भाई और बहनों, कहीं ऐसी आदत में आप लोग तो नहीं पड़ गए हो? क्या ऐसी आदत में आप और मैं तो नहीं जी रहे हैं? हे भाई और बहनों, परमेश्वर के घर में रह के परमेश्वर की सेवा करते हुए हम कैसा जी रहे हैं, हम किस तरह से जी रहे हैं? क्या यूदा इस्करियोत के जैसा ऊपर से एक भेष डाल के अंदर से चोरों का स्वभाव तो नहीं है आपका? परमेश्वर आज हमसे यही बात कर रहा है कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। काफी लोग परमेश्वर के घर में काम करते हैं, परमेश्वर की मंडली की रखवाले करते हैं, लेकिन जब उनका पास पैसा ये सब बढ़ जाता है तो कब उसे लेके खा लेते हैं और ये किसी को पता भी नहीं चलता है। हे भाई और बहनों, ऐसे कामों से हमेशा अपने आप को दूर रखिए, दूर रहिए। ये पैसा एक लालच, एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर से हमें ये सचमुच में दूर कर देगा। जो परमेश्वर का वचन, जो सच्चा वचन है, जब कोई हमें सुनाएगा लेकिन हमारे दिमाग में भी ये वचन नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि हमने किसी और चीज के लिए जगह लेके रखी है। अगर हमारे अंदर पैसा, हमारे अंदर हम हमेशा सोचते रहेंगे, पैसे को ही अपने मन के अंदर भर के रखेंगे, लालच को ही अपने अंदर भर के रखेंगे, तो जीवित परमेश्वर के सच्चे वचन को कैसा सुनेंगे और ये कैसा समझेंगे? हे भाई और बहनों, आज की कलीसिया कैसी है? आज की कलीसिया कैसी जी रही है? बिना पैसे के, पैसा बहुत ही अच्छी चीज है, पैसा आदमी की हर एक चीज की आवश्यकता को भी पूरा करता है, लेकिन जो पैसा, जो चोरी जो परमेश्वर के घर से करते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ करते हैं, उस चीज से हम कैसा बचे? हे भाई और बहनों, यूदा इस्करियोत ने भी प्रभु यीशु मसीह को जो बेच दिया और उसने भी अपनी जमीन खरीदी, जमीन खरीदा, लेकिन वो जमीन को खरीदा उसने, लेकिन उस जमीन में वो खुद खेती नहीं कर पाया और ना ही उसके बच्चे खेती कर पाए। उसने जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, जब उसने पश्चाताप किया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को बेकार में पकड़वा दिया, एक सच्चे इंसान को पकड़वा दिया, जब उसने पश्चाताप किया तो उसके पास समय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसने अपने आप को फांसी लगा ली।
और पेड़ के नीचे लटक गया, और वो पेड़ पे और वो जिस रस्सी से उसने अपनी फांसी लगाई थी वो रस्सी भी ऊपर से कट गई और उसके पेट के बल वो गिरा, और उसके पेट की जितनी भी अथड़ियां थी ये सारी की सारी बाहर आ गई और आके कुत्तों ने उसे चाट लिया। ये भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के घर से हम लोग ऐसे ही बर्ताव करेंगे, अगर परमेश्वर के नाम लेके अगर हम पैसों के पीछे ही भागेंगे, अगर परमेश्वर के काम करते हुए हम पैसों हमें कहाँ मिलेंगे, हमें यहाँ जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, वहां जाएंगे तो हम पैसे मिलेंगे, अगर परमेश्वर के घर में ही आप चोरी करते रहे, तो भाई और बहनों एक बार यूदा और इस्करियोत को भी एक बार याद कर लेना कि यूदा इस्करियोत के साथ क्या हुआ था। काफी लोग जो होते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, अच्छे अच्छे वचन बोलते हैं, अच्छे अच्छे स्वभाव करते हैं, लेकिन कभी कभी अपने वचन वचन बोलते हैं सबको, लेकिन अपना स्वभाव जो है, जो अपने आदतें हैं, उस चीज को वो लोग नहीं बदल पाते। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अगर सच्चा वचन सुना होता तो ये चीजों के ऊपर भी उसने यूदा इस्करियोत ने अपने आप को कंट्रोल किया होता। यूदा इस्करियोत इसलिए पैसों में फंस गया क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सच्चे मन से नहीं माना और नहीं कभी सुना। जब प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते थे उसका दिन, उसका स्वभाव, उसका माइंड जो था कहीं और ही लगा रहता था, हर एक चीज के पास, कि कौन कितना देगा, कौन कितना देगा और कितना देगा तो उसमें से मुझे कितना निकालना है। ये भाई और बहनों, क्या आप और मैं तो ऐसे नहीं हैं, ऐसे तो सेवा नहीं कर रहे हैं। जब हम वचन सुना रहे हैं, वचन चल रहा है, परमेश्वर का काम चल रहा है, लेकिन मन में दिमाग में यही है कि कोई हमें कब क्या देगा, या किसी के गिफ्ट की लालचा में हो, या कोई हमें देगा भेंटें, उसके पीछे पड़े हुए हो। ओ भाई और बहनों, भेंटें देना तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको भेंट दे रहा है तो आप उसे ले सकते हो और उसे आप किस तरह से चाहो उस तरह से खर्च कर सकते हो क्योंकि वो आपका गिफ्ट है। लेकिन परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के लोगों के साथ में धोखा करना और परमेश्वर के साथ रह के उसके वचन सुनाना और यही काम करना कि मैं यहाँ जाऊँगा मुझे यहाँ ये मिलेगा, मैं यहाँ जाऊँगा मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब लालच करना, ये दो है एकदम चोरों का स्वभाव है, जो कि यूदा इस्करियोत का स्वभाव था। हे भाई और बहनों, आज की मंडली में कैसी चल रही है, आपकी मंडली कैसी चल रही है? हे भाई और बहनों, कभी कभी हम लोग उसी के घर में जाते हैं जो कि हमारी जेब में भरता है, हम कभी कभी उसी को इज्जत भी करते हैं जो हमारी जेबों को भरता है, हम कभी कभी उसी के बात मानते हैं जो हमारी जेबों को भरता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का काम जो है, प्रभु यीशु मसीह की जो सच्ची सेवा है वो ऐसी नहीं होती है कि मैं मुझे उसी के घर में जाना है और इसी के घर में जाके वचन बोलना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है सबके लिए एक समान है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो सबके लिए अपनी जान दे दी उसने हम सबके लिए जान दे दी है, ना ही अमीरों के लिए और ना ही गरीबों के लिए, ना ही पैसे वालों के लिए, ना ही कंगालों के लिए, उसने हम सबको एक नजर से देखा है और एक ही तरह से हमें अपने अपनी नजर से देखा है, वो हम सबको एक ही जैसा देखता है। लेकिन हम जो सेवा करते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा, जब आरंभ करते हैं सेवा का, बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वो सेवा ऐसी हो जाती है एक लालच के जैसे बन जाती है, जैसे कि पैसे लेना या पैसे लेना या पैसे के पीछे। हे भाई और बहनों, अगर आप पैसों के पीछे भाग के अगर सा सेवा करना चाहते हो तो भाई और बहनों इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे यूदा इस्करियोत को एक बार देखो, वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए था क्योंकि वो चोर था और उसका स्वभाव जो था चोर था, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के बाद में भी उसका जीवन नहीं बदल पाया क्योंकि उसको लालच था, और उसको लालच था पैसों का, उसे लालच था दुनियादारी की हर एक चीज का, उसे लालच था कि लोग उसे गिफ्ट देंगे और वो गिफ्टों को लेगा और उनमें से वो जो चेलों को दिए जाते थे उसमें से भी वो चोरी कर लेगा। हे भाई और बहनों, आप और मैं सेवा ऐसे तो नहीं कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की,
यूदा इस्करियोत के जैसे, नाम प्रभु यीशु मसीह का लेकिन स्वभाव हमारा पाप के जैसा, स्वभाव हमारा लालची तो नहीं है। अगर ऐसी सेवा आप कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं आत्मा वचन सुना रहा हूँ, लेकिन आप अंदर से आत्मीय नहीं हो, आत्मा का वचन बोलते हो लेकिन आप आत्मीय के अनुसार नहीं चलते हो, लेकिन चल रहे हो आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए, ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो। ए भाई और बहनों, क्या ऐसी सेवा है आपकी? तो एक बार यूदा इस्करियोत को याद कीजिए, उसने भी अपने पैसे लेके जो दिए गए, जो प्रभु यीशु मसीह को बेचने के बाद उसे पैसे मिले, उसने अपनी भूमि खरीदी, लेकिन उस उपज में से वो कभी भी खेती नहीं कर पाया, और उसका और उसने अपने आप को फांसी लगा दी, और उसकी रस्सी टूट गई, और वो पेट के बल गिरा, और उसकी सारी हथड़ियाँ जो थी बाहर आ गई। एक बार हम प्रेतों के काम एक अध्याय को पढ़ेंगे, आखिरी वचन, भजन संहिता में लिखा है कि उसके घर उजड़ गए और उसमें कोई ना बसा, उसका पद किसी और ने ले लिया। हे भाई और बहनों, अगर लालच के साथ सेवा करोगे, सिर्फ पैसों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे पे बचे भागोगे, तो आप भी पेट के बल गिरोगे, और आपकी अथड़ियाँ भी निकल जाएंगी, और उनका घर तो उजड़ जाएगा, आपका घर भी शांत उजड़ सकता है, और आपका पद जो आपका अधिकार है परमेश्वर आपसे छीन के किसी और को दे देगा, और उसको उसके उसमें कोई भी ना बसेगा, और आपका घर जो है खंडर का खंडर ही हो जाएगा। यूदा इस्करियोत के बारे में ये बातें लिखी हुई है कि उसके घर जो है उजड़ गया, उसमें कोई ना बस पाया, और उसका पद किसी और को दे दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है कि हम लोग कैसी सेवा कर रहे हैं, क्या यूदा इस्करियोत का स्वभाव है, या यूदा इस्करियोत के जैसा कर रहे हैं हम लोग, क्या यूदा इस्करियोत प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था लेकिन उसके दिमाग में, उसके मन में सिर्फ लालच भरा था। उसका लालच ये था कि क्या गिफ्ट आएगा और कितने पैसे आएंगे, और जितने भी आते थे परमेश्वर के मंदिर से, परमेश्वर की थैली जो उन लोगों सबकी थी उसमें से भी वो चोरी कर लेता था। हे भाई और बहनों, उसका चोरी करने के बाद में उसका इंसान, उसका क्या हुआ, जो खरीदा उसने उसके ऊपर खेती नहीं कर पाया, उसके बच्चे जो थे पूरे रास्ते में भीख मांगते रहे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है कि हम लोग कैसे सेवा कर रहे हैं। अगर आपने भी ऐसी सेवा की है तो प्रभु यीशु मसीह से आप क्षमा मांगे। आइए, अगर परमेश्वर आपको इस वचन से आपसे बात कर रहा है तो अपने घुटने को भलाइए और प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगिए। ओ प्रभु जी, यूदा इस्करियोत को एक बार याद कर लीजिए। प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो अब तक आपकी सेवा की, आपका नाम लेके सेवा की, लेकिन मेरे मन के अंदर, मेरे अंदर स्वभाव के अंदर लालच भरा हुआ था। मैं आपका नाम लेके अपना काम पूरा कर रहा था, मैं आपके नाम लेके अपने शरीर के अनुसार चल रहा था, मैं आपका नाम लेके पूरे वो आपका नाम लेता था, प्रार्थना करता था, वचन सुनाता था, लेकिन यही आशा रहती थी कि कोई मुझे क्या देगा, कोई गिफ्ट देगा या क्या देगा। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद जो कोई मुझे जो कुछ देगा, मैं सिर्फ उसी चीज़ को लूँगा। अगर और कोई चीज़ मुझे नहीं मिलती है तो मैं उस चीज़ की आशा नहीं रखूँगा और उस चीज़ को भी छोड़ दूँगा। मेरे अंदर से एक चोर स्वभाव को अंदर से निकाल दीजिए, मेरे अंदर जो चोर स्वभाव है उसे निकाल दीजिए। प्रभु जी, मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं आपका काम सच्चे मन से करना चाहता हूँ, यूदा इस्करियोत के जैसा नहीं। प्रभु जी, आपका काम सच्चे मन से करना चाहता हूँ, जैसे कि पौलुस ने किया था। प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा है निस्वार्थ करना चाहिए, बिना कुछ चाहिए करना चाहिए कि मुझे ये मिलेगा इसलिए मैं करता हूँ, ये सब सोच के कभी नहीं करना चाहिए। हे भाई और बहनों, आप भी अपने घुटनों के बल में आके प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, मेरे अंदर ये स्वभाव को है, प्रभु जी ये स्वभाव को निकाल दीजिए। अगर आप ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको इस स्वभाव से, आपको
और आपको नया जीवन देंगे और आपका ये स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह निकाल देंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे, प्रभु इस वचन से आपको सच्चाई के साथ सेवा करने के लिए तैयार करे, प्रभु इस वचन से आपको लालची नहीं बना के जो प्रभु यीशु मसीह दे उसी को लेने के लिए आपके मन को दे। प्रभु यीशु मसीह आपके चोर के जैसा स्वभाव जो है उसे निकाल दे, प्रभु इस वचन से आपको नया करे, प्रभु इस वचन के लिए सारे लोगों के लिए एक उजाला बनाए, प्रभु यीशु मसीह इस वचन से आपको आशीष करे, प्रभु इस वचन से आपको आपके परिवार को आने वाले दिनों के लिए तैयार करे, प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।